नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल कुक विद किरण में स्वागत है। चने के दाल से हम लोग कई तरीके की रेसिपी बनाते हैं, लेकिन आज हम चने के दाल से मसरंगी बनाएंगे। ये एकदम अलग डिश है। इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चने के दाल की मसरंगी। यहाँ पर हमने 250 ग्राम चने के दाल लिए जो 4 घंटा पहले भिगोए थे और इसे दो पानी धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और चने के दाल को इसमें डाल देंगे। अब इसमें 7-8 लहसुन की कलियाँ, 1 टेबल स्पून जीरा, 2 हरी मिर्ची, तीखा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून नमक भी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे कवर करके हम दरदरा पीस लेंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। एक बार इसको हमने पीस लिया, अभी इसे चेक कर लेंगे। इसे स्पून से जो खड़े दाल है उसे अच्छे से मिक्स करके वापस कवर करके फिर पीस लेंगे। यहाँ पर हमने दाल पीस के तैयार कर लिया, एकदम दरदरा पीस लिया है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे दाल हमने प्लेट में निकाल लिए, अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें प्याज नहीं डाला है, अगर आपको प्याज पसंद हो तो इसमें बारीक कट करके डाल सकते हैं। दाल हमारा तैयार हो गया, अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म होने के लिए रखा है। कढ़ाई गर्म हो गया, अब इसमें हम तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गरम हो गया, अब इसमें हम दाल जो पीस के रखे थे उसको छोटा छोटा लेके तेल में डालेंगे। साइज आप अपने अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। सारा हमने तेल में डाल दिया, अभी इसे हम एक तरफ हल्का गोल्डन होने देंगे। एक तरफ हल्का गोल्डन हो गया, अब इसे हम दूसरी तरफ पलट देंगे। ऐसे दोनों तरफ हल्का गोल्डन होने तक इसे हम पलट के तल लेंगे। देखिए दोनों तरफ हल्का गोल्डन हो गया, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे सारे मसरंगी हम तलकर निकाल लेंगे। मसरंगी तलते समय हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना, हाई रखेंगे तो ऊपर से वो गोल्डन हो जाएगा लेकिन अंदर वह कच्चा रह जाएगा। सारी मसरंगी तलकर तैयार कर लिए, बहुत ही कुरकुरी मसरंगी बनी है। इसे हरी मिर्ची, लाल चटनी, हरी चटनी, सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे ज़रूर बनाइए, खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।